क्या हाल है ट्रेविडेगेंस मोटरोला बैक टू बैक फोन निकाल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मोटरोला ने अभी एक रिसेंटली फोन लॉन्च किया है, मोटो एस 30 प्रो। जबरदस्त स्पेसिफिकेशन आपको इसमें देखने के लिए मिल रही है, मतलब अगर आप कोई फोन लेने की सोच रहे हैं तो ये फोन आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में, आपको इसमें क्या देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेविल टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं मोटो एस 30 प्रो के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे सीधे स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपको 6.5 इंच का कर्व ओलेड फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने के लिए मिल रहा है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 360 टच सैम्पलिंग रेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात करते हैं इसमें आपको डीसी डिमिंग, डीसीआई P3 कलर गोमेट, HDR 10 प्लस, SGS सर्टिफाइड लो ब्लू लाइट मोड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। काफी कमाल का डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। सारे ऑप्शंस दोस्तों इस फोन में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 VC लिक्विड कूलिंग सिस्टम आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। एंड्रॉइड 12 के साथ ही आपको देखने के लिए मिलता है। और रैम और स्टोरेज की यहाँ पे बात की जाए तो 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के साथ दोस्तों ये अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपको फोन चाहिए फोटोज और वीडियोस के लिए तो इस फोन में दोस्तों आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है ओमनी विजन प्राइमरी सेंसर के साथ, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यूनिट ऑटो फोकस के साथ, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हो तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर यहां पे आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब कैमरे के मामले में भी काफी जबरदस्त यहां पे स्पेसिफिकेशन निकल के आई है। अब यहां पे दोस्तों कनेक्टिविटी और बैटरी की अगर बात की जाए, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ ये देखने के लिए मिलेगा। अदर फीचर्स में यहां पे ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी की अगर आप बात करते हैं इसमें दोस्तों आपको 4270 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल रही है, जो 68W की फास्ट चार्जिंग आपको देती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर प्राइस की बात करते हैं तो इसमें तीन वेरिएंट अवेलेबल है। पहला वेरिएंट दोस्तों 8GB 128GB जो आपको तकरीबन 25 से 26 हजार रुपए के आसपास देखने के लिए मिलता है। फिर 12GB 256GB जो आपको तकरीबन 30 से 31 हजार रुपए की रेंज में देखने के लिए मिल सकता है। और तीसरा वेरिएंट 12GB 512GB जो आपको 34 से 35 हजार रुपए तक की रेंज में देखने के लिए मिल सकता है। अभी ये स्मार्टफोन दोस्तों चाइना में लॉन्च हुआ, अभी ये ग्लोबली और इंडिया में कब तक आ पाता है ये देखना बाकी है। स्पेसिफिकेशन तो काफी तगड़ी है दोस्तों, देखना ये है दोस्तों इंडिया में सेम स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है या यहाँ पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्पेसिफिकेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो से पहले देखने के लिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।